Morning, dear students. Yesterday we have started vector algebra, that is chapter number 10. Now today we will study the types of vectors. The first one is zero vector. Naam se hi pata chal raha hai, zero vector matlab jiska magnitude zero ho. Ya hum keh sakte hain ki a vector whose initial and terminal points coincide. जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो उसे हम जीरो वेक्टर कहेंगे या नल वेक्टर भी कहेंगे. इसे हम जीरो के ऊपर एरो से डिनोट करेंगे. जीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइंड अ डेफिनेट डायरेक्शन एज इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड. उसका मैग्नीट्यूड नहीं है, जीरो है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जीरो वेक्टर का कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है. या ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ हैविंग एनी डायरेक्शन. कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो यू कैन से दैट इट इज़ हैविंग एनी डायरेक्शन. तो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है, तो अगर हम ए ए वेक्टर लिख रहे हैं या बी बी लिख रहे हैं या सी सी वेक्टर लिख रहे हैं, देन दे रिप्रेजेंट्स द जीरो वेक्टर. नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर. यूनिट मतलब वन. तो अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, दैट इज वन यूनिट, इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर. And the unit vector in the direction of any vector, it is denoted by a cap. किसी भी vector के direction में जो unit vector होगा, means उसके corresponding जो unit vector आएगा उसे हम a cap से denote करते हैं. Then co-initial vectors. Two or more vectors having the same initial point. Co-initial मतलब जिनका initial point same हो. तो वही हम लिख रहे हैं, two or more vectors having the same initial point are called co-initial vectors. Then we have collinear vectors. Two or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line irrespective of their magnitude and directions. अगर दो या दो से ज़्यादा vectors वो same line के parallel हैं तो उन्हें हम collinear vectors कहेंगे. उनका magnitude कुछ भी हो या direction उनका चेंज भी हो सकता है आपस में, बट इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स. देन वी हैव इक्वल वेक्टर्स. टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. इक्वल वेक्टर के लिए कंडीशन क्या है कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और उनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द पोजिशंस ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट. उनकी इनिशियल पॉइंट डिफरेंट हो सकता है पर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए. इफ टू वैक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल, वी राइट इट लाइक दिस, वैक्टर ए इक्वल टू वैक्टर बी. देन नेगेटिव ऑफ अ वैक्टर. अ वैक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम एज दैट ऑफ द गिवन वैक्टर बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ इट इज कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ द गिवन वैक्टर. किसी भी वैक्टर का नेगेटिव वो वैक्टर होगा जो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगा इस गिवन वेक्टर के, पर उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा. तो वेक्टर बी ए इज नेगेटिव ऑफ द वेक्टर ए बी. अगर हमारे पास वेक्टर ए बी है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो इनिशियल पॉइंट बी हो जाएगा और टर्मिनल पॉइंट ए, तो उसका नेगेटिव बी ए वेक्टर होगा. ए बी वेक्टर का नेगेटिव बी ए वेक्टर, या ये कह सकते हैं कि बी ए वेक्टर का नेगेटिव ए बी वैक्टर हो. और उस केस में हम क्या लिखेंगे कि क्योंकि उसका डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो वी कैन राइट बी ए वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी वैक्टर. नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. इस डिस्प्लेसमेंट को हमें ग्राफिकली शो करना है. नाउ इट इज 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये हमारे पास चार डायरेक्शंस हैं. क्वेश्चन में कहा गया है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री के एंगल पर 40 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करना है हमने. तो ये हमने नॉर्थ लिया है, ये इससे 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमने एक डायरेक्शन लिया है और इस पर हम 40
40 किलोमीटर डिस्टेंस को मार्क कर देंगे। और हमने स्केल के लिया है कि एक ये जो आपका निशान है वो 10 किलोमीटर के इक्वल है, तो हमने 4, 2, 3, 4, तो जो पी पॉइंट है ओ पी डिस्टेंस विल रिप्रेजेंट 40 किलोमीटर। नेक्स्ट इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इसमें से हमें बताना है कौन कौन सी क्वांटिटीज स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। तो फर्स्ट में केवल एक मैग्नीट्यूड गिवन है, डायरेक्शन नहीं है, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड वन में मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी दिया है, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड केस में हमारा केवल मैग्नीट्यूड है, एंगल, सो इट इज़ ऑल्सो स्केलर। फोर्थ वन में भी हमें स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व है। यहाँ ये चार्ज का यूनिट है तो यहाँ पे भी हमें केवल मैग्नीट्यूड गिवन है, सो इट इज़ अगेन अ स्केलर क्वांटिटी। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन की यूनिट है और एक्सेलरेशन हमारा वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये एक फिगर दी है, इसमें से हमें बताना है कि को इनिशियल वैक्टर्स कौन कौन से हैं। को इनिशियल मीन्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। तो इस फिगर में हमारे पास को इनिशियल वैक्टर्स वैक्टर ए और डी हैं, इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है इसीलिए ये को इनिशियल वैक्टर्स हैं। इक्वल वैक्टर्स मतलब जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो यहाँ इस केस में वैक्टर डी और वैक्टर बी ये सेम डायरेक्शन में हैं और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, सो बी एंड डी दे आर इक्वल वैक्टर्स। ए और सी का मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन सेम नहीं है इसलिए ये इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट इज कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो ए और सी को हम कोलिनियर कह सकते हैं बट दे आर नॉट इक्वल क्योंकि दे आर पैरेलल टू ईच अदर बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।